दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल के 30 और असम की 39 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 72,330 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा है। दक्षिण फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत को फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलेगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी घोषणा की है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है। रिकवरी दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा भारत में हुई है। मौत के मामले में अमेरिका, ब्राजील और मैक्सिको के बाद भारत का नंबर है। एंटीलिया केस के साथ साथ मनसुख हिरेन मामले की भी जांच कर रही एनआईए को इस मामले में अब 8वीं गाड़ी के सुराग मिले हैं। बड़ी बात यह है कि इस गाड़ी में मनसुख की हत्या के आरोपी विनायक शिंदे और सचिन बाजे साथ दिखे थे। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने शादी समारोह में शामिल होने वालों की संख्या कम कर दी है। अब बंद जगह जैसे बैंक्वेट हॉल में अधिकतम 100 लोग समारोह में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के अंतर्गत आने वाले प्रोफेसर आज से अपनी ड्यूटी पर वापस लौटेंगे और क्लास लेना शुरू कर देंगे। हालांकि एसोसिएशन ने 12 अप्रैल से फिर हड़ताल शुरू किए जाने की बात कही है, अगर उनकी शर्तों को नहीं माना गया तो। महाराष्ट्र में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने संक्रमण के लिए आरटीपीसीआर जांच की कीमत 1,000 रुपए से घटाकर 500 रुपए कर दी है। केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर में कटौती करने का फैसला वापस ले लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। देर रात की खबर आई थी कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर घटा दी गई है। संगीतकार बप्पी लहरी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उनके बेटी ने अपील की है कि जो लोग उनके संपर्क में आए हैं अपनी जांच करवा लें। केंद्र ने सभी राज्यों को कहा कि वे दूसरी डोज के लिए वैक्सीन का संरक्षण न करें। केंद्र ने राज्यों को भरोसा दिलाया कि देश में वैक्सीन की उपलब्धता के साथ ही उनकी सप्लाई की भी पर्याप्त व्यवस्था है, इसलिए वैक्सीन के भंडारण करने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुओं के पवित्र धार्मिक स्थल अमरनाथ गुफा के लिए वार्षिक तीर्थयात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू होगा। ये यात्रा 56 दिनों तक चलती है। यात्री बालटाल मार्ग से होकर अमरनाथ गुफा तक जाएंगे और बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। केरल के त्रिशूर में बुधवार कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने निशाने पर लिया। प्रियंका गांधी का कहना है कि देश में विभाजन और नफरत के बीज बोने के लिए बाइबल में कही गई बातों का इस्तेमाल करने से ज्यादा खोखला कुछ भी नहीं हो सकता है। अपनी मांग को लेकर डटे किसान सरकार पर हर तरह दबाव बना रहे हैं। वहीं अब किसानों का कहना है कि वो 10 अप्रैल को कुंडली मानेसर पलवर एक्सप्रेसवे को जाम करेंगे, साथ ही मई में पैदल संसद मार्च भी करने की योजना बना रहे हैं। फ्रांस से 3 राफेल लड़ाकू विमानों का 4था जत्था बुधवार शाम भारत पहुंच गया। इन विमानों के आने से भारतीय वायुसेना की हमला करने की क्षमता में और इजाफा होगा। इसने फ्रांस के इस क्षेत्र वायुसेना अड्डे से सीधी उड़ान भरी थी। तमिलनाडु सरकार ने कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन को मौजूदा रियायतों और पाबंदियों के साथ 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। मुख्य सचिव राजीव रंजन की ओर से जारी एक आदेश में यह जानकारी दी गई है।
अब अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा कि देश में जिस प्रकार कोरोना के आंकड़े एक बार फिर बढ़ रहे हैं, ये ठीक ब्रिटेन की तरह होते दिख रहा है। उन्होंने कहा कि ये संभावना है कि कोई ऐसा वेरिएंट हो जो वायरस को और तेजी से फैला रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असल में दूसरे चरण के चुनाव से पहले प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर में पूजा अर्चना की है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और AIUDF के गठबंधन को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। बॉलीवुड एक्ट्रेस और भारतीय जनता पार्टी की चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर को लेकर खबर है कि वो मल्टीपल माइलोमा, जो कि एक तरह का ब्लड कैंसर है, बताया जा रहा है कि किरण खेर इसका इलाज मुंबई में करवा रही हैं। अभी से ही लू का सामना कर रहे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों वाले राज्य में अगले दो दिन में गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले तीन दिनों में 5 डिग्री तक तापमान गिर सकता है। तमिलनाडु और केरल दौरे पर हैं सीएम योगी। आपको बता दें कि तमिलनाडु में आज यूपी के सीएम का दूसरा दिन है। कल तमिलनाडु में रामेश्वरम गए थे और वहां विशेष पूजा अर्चना की थी और आज सीएम योगी सुबह सुबह राम सेतु पहुंचे हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से इस्तीफा देने की मांग की है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नीतीश सरकार पर हमलावर तेजस्वी यादव पर सुशील मोदी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि खुद भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपित नेता प्रतिपक्ष को सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे देना चाहिए, वहीं बेनामी संपत्ति मामले में बरी होने तक उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की शुरुआत हो गई है। इस एक्सप्रेसवे की मदद से केवल 60 मिनट में दिल्ली से मेरठ तक का सफर तय होगा, साथ ही साथ जाम और रेड लाइट का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। आज से नया वित्त वर्ष 2021-22 शुरू हो गया है। देश में आज से जरूरतमंद चीजों के दाम बढ़ गए हैं, इसका आपकी जेब पर सीधा असर होगा। हवाई सफर से लेकर मोबाइल फोन, बाइक, कार, टीवी, स्टील, एसी, फ्रिज और कूलर तक सब महंगा हो जाएगा। बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र के पोते राजवीर देओल जल्द बॉलीवुड में एंट्री लेने जा रहे हैं। दादा धर्मेंद्र ने ट्विटर पर एक ट्वीट कर इसके बारे में जानकारी दी है। आपको बता दें कि राजवीर सनी देओल के छोटे बेटे हैं। संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर को दर्शकों द्वारा काफी पसंद भी किया गया है। फिल्म में लीड रोल में बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट नजर आएंगी, जो गंगूबाई का किरदार निभा रही हैं। IPL 2021 से पहले SS धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ा झटका लगा है। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने निजी कारणों का हवाला देकर अचानक टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया है। भारतीय टेस्ट टीम के प्रमुख बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा इंडियन प्रीमियर लीग में अपनी वापसी के लिए तैयार हैं। पुजारा लंबे समय से IPL में नहीं खेले थे, लेकिन इस सीजन के लिए MS धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें खरीदा है। IPL 2021 के आगाज से पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी टीम में एक बड़ा बदलाव किया है। फ्रेंचाइजी ने चोटिल मिशेल मार्श की जगह इंग्लैंड के ओपनर जेसन रॉय को अपनी टीम में शामिल किया है। भारतीय कप्तान विराट कोहली बुधवार को जारी ICC वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में अपने शीर्ष स्थान पर बरकरार हैं, जबकि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह गेंदबाजों की सूची में एक पायदान खिसक कर चौथे स्थान पर पहुंच गए।